व्हाट आई हैव कम अप विद कि मैंने एक प्लान बनाया है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बनाया था, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। तो उसी को देखते हुए मैंने एक साल का पूरा एक प्लान बनाया था, किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ जो बेसिक डाउट्स होते हैं एक नए एस्पिरेंट के दिमाग में, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि वो क्लियर कर सकूं। मेरा नाम जुनैद अहमद है। सिविल सर्विसेज 2018 की परीक्षा में मुझे थर्ड रैंक हासिल हुआ था। तो सबसे पहली जो एक चीज़ है एग्ज़ाम के बारे में, वो आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो है यूपीएससी, वो उसमें रूटलेस कंपटीशन है, ये आप सभी को पता है। तो कहीं पे भी मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत ही कम है, तो कहीं पे भी आप गलती नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ में समझाने के लिए कि स्टार्टिंग में आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से लेके चलें और आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट मैंने क्या ट्राई किया था कि जैसे क्या होता है जनरली जून में जो है बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और उसके बाद वो एक प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जुलाई से स्टार्ट करें और नेक्स्ट जून तक का एक ईयर का प्लान रखें, तो उसको किस तरीके से हम लेके चल सकते हैं, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा प्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट जो 3 मंथ्स अगर हम देखें, तो हमें मिलते हैं जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं कि कोई इंसान अगर जनवरी से स्टार्ट कर रहा है तो वो जनवरी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ले सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट देखें जुलाई में, जब आप एकदम नए आते हो, तो आई विल से कि फर्स्ट 15 डेज आपको कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम को समझना है। जितना अच्छे से आप समझेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो बुक से ज़्यादा आप सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है यूपीएससी का और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसको एनालाइज करें, बैठ के देखें। सिलेबस तो इनफैक्ट बाई हार्ट कर सकते हैं आप, मेंस का और प्रीलिम्स का सिलेबस आप देखें, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसी तरीके से आप सारे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो मेंस के हैं और प्रीलिम्स हैं, उसको भी एक आइडिया लगाएं। तो स्टार्टिंग में जो आपका टाइम है, जितना ज़्यादा इस चीज़ में जाएगा उतना जल्दी आपको एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग के 15-20 दिन आप फोकस करें कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और सिलेबस के ऊपर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक आपका आता है वो एनसीईआरटीज आती हैं। तो अब बच्चों को ये होता है कि एनसीईआरटी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, 6 से स्टार्ट करनी चाहिए, 9 से स्टार्ट करनी चाहिए, 11 से स्टार्ट करनी चाहिए, 12 से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा मानना है, आई विल सजेस्ट कि जो आप ग्रेजुएशन जब आप करके आ रहे हो, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की होती है। तो आई विल से कि अगर आप 9 से भी स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी तो सफिशेंट हो जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़नी है। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज अल से के जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं या न्यू एनसीईआरटीज हैं वो आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है वो आप देखिए 11th क्लास की, ज्योग्राफी की 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं दो, वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मेन में कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो 11th क्लास की एक बुक है, वो आप देख सकते हैं। तो जो ये जो बेसिक एनसीईआरटीज हैं वो आप पढ़िए, और वो भी डिपेंड करता है कि आपका लेवल कहाँ पे है। यहाँ पे एक बड़ा इशू आता है नोट्स मेकिंग का। बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर नोट्स मेकिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज ऑलरेडी बहुत क्रिस्प वे में लिखी हुई होती हैं। फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हैं तो उसमें जितना हो सके उतना समझने का ट्राई किए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। सेकंड थर्ड रीडिंग में जब आप आते हैं उस टाइम पे आप नोट्स मेकिंग के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में फोकस करिए कि जो एक ब्रॉड आइडिया बेसिक कंसेप्ट वो आप डेवलप कर सके। तो एनसीईआरटीज 9 से 12th तक की आई सजेस्ट, और ये जो है एटलीस्ट इन 3 महीने में 2 रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए इसकी, एनसीईआरटीज की। इस वाले फेज में ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको देख सकते हैं कि आप पे कितना हेल्पफुल रहेगा। इस वाले फेज में आप न्यूज़पेपर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब एक बिगिनिंग फेज में आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो न्यूज़पेपर समझने में करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1.5 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो इस फेज़ में आप न्यूज़पेपर को अवॉइड कर लें, क्योंकि इस फेज़ में आप बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बना रहे हैं, उसको जितनी जल्दी बनाएंगे उतना हेल्पफुल होगा। तो ये 3 महीने इन चीज़ों में आप अगर निकालेंगे तो आपका बेस जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला फेज। यहाँ पे आपका क्या है कि आपका एक जीएस की रीडिंग हो चुकी है, सीआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और यहाँ पे एक और चीज़ आती है रेफरेंस बुक्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे
तो उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट की कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। तो मार्केट में सारी रेफरेंस बुक्स हैं, वो जनरल जो भी हैं, हिस्ट पॉलिटी की लक्ष्मीकांत लोग प्रेफर करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी हैं, तो ये रेफरेंस बुक्स एनसीईआरटी के बाद आप कर सकते हैं। तो इस वाले फेज में ये सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए, 3 महीने में सफिशेंट टाइम होता है ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए। यहाँ वाले फेज में आपकी सेकेंड रीडिंग आती है, सब्जेक्ट्स का क्या होता है कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत लेमेन के टर्म्स में होती है। जब आप सेकंड थर्ड रीडिंग में जाते हैं, इस फेज में आते हैं, तो आप पिक्चर को बहुत एक हॉलिस्टिक वे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकेंड रीडिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स की और रेफरेंस बुक्स की आनी चाहिए। ऑप्शनल जो है, अब बहुत लोगों को ऑप्शनल में ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है। तो आई सजेस्ट कि ऑप्शनल सिलेक्शन एकदम स्टार्टिंग में मत करिए, थोड़ा सा जीएस की अंडरस्टैंडिंग लेके कि आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसके बाद फिर आप ऑप्शनल पे जा सकते हैं। दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इस फेज में रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शनल सिलेक्शन जब आता है तो मे बी अगस्त सितंबर, जब तक भी आप टाइम लेते हैं ऑप्शनल सिलेक्शन में, तो किसी भी ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे एक बार तो एटलीस्ट आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेक्शन के बाद, क्योंकि अगर यहाँ तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। तो दिसंबर तक ट्राई करें कि आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 3-3 महीने के जो फेजेस मैं बना रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं जब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने तो एक एक ईयर का प्लान लिया है, जो स्टार्ट होता है जुलाई से और एंड होगा जून पे, जनरली प्रीलिम्स भी जून में ही होता है। तो और यहाँ पे आई विल से कि यहाँ पे आप न्यूज़पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इस फेज में अगर आप न्यूज़पेपर को स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो इस फेज की अंडरस्टैंडिंग है जीएस की और बाकी एग्जाम की, वो हेल्प करेगा आपको न्यूज़पेपर को समझने में। यहाँ वाला टाइम अगर आप न्यूज़पेपर को ज़्यादा देंगे तो आपका जो बेसिक जो प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। तो आई विल सजेस्ट कि इस वाले फेज में आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, और मैक्सिमम आप न्यूज़पेपर को 1 घंटे से 1 पॉइंट से एक या 1.5 घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देना है न्यूज़पेपर को। तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर का स्टार्ट कर सकते हैं, और यहीं पे आपको नोट्स मेकिंग पे भी अपना थोड़ा फोकस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपकी थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग यहाँ पे आ जाती है इस वाले फेज में, उसके बाद आपकी जो नोट्स मेकिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी के तो आई सजेस्ट कि आप उतने ज़्यादा नोट्स पे फोकस नहीं करें जितना करंट करंट के इश्यूज होते हैं, और बाकी जो जैसे हिस्ट्री है तो उसमें बुक्स में तो आपको एक पूरी स्टोरी की तरह चीज़ें समझाई जा सकती हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस तरीके से उसको नोट्स में बनाना है ताकि वो एग्जाम के टाइम पे आपको याद रह सके, वो आपको देखना है। तो इस फेज में नोट्स मेकिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये दो फेज में अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जाम की वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। अब अगर हम जनवरी फरवरी मार्च ये थर्ड वाले फेज में आए, तो अभी यहाँ पे आप देखिए कि आपके ऑप्शनल की रीडिंग, आपके जीएस की रीडिंग, आपका न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ गई हैं प्रिपरेशन में। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है। तो यहाँ पे आई सजेस्ट कि एक और पार्ट होता है सिविल्स में, एथिक्स का। होता क्या है, एथिक्स थोड़ा डिफरेंट है जीएस की प्रिपरेशन, जीएस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस वाले फेज को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप इस फेज में एथिक्स को पढ़ेंगे तो उसको उतने अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एथिक्स को स्टार्ट करते हैं या एथिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप इस चीज़ से उसको रिलेट कर पाएंगे। और एथिक्स के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एथिक्स में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आई विल से कि एथिक्स में आप देखिए सिलेबस में जो डेफिनेशन टर्म्स हैं, जो चीज़ें दी हुई हैं, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको नेट से कहीं पे भी मिल सकती है। बाकी सारा जो एथिक्स है वो प्रैक्टिकल पार्ट है कि आप उस चीज़ को कैसे रिलेट करते हैं अपने लाइफ से, अपनी चीज़ों से। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, आप जीएस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उसको एथिक्स से रिलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एथिक्स के लिए आई सजेस्ट कि कोई सेपरेट एक डिफरेंट स्टडी या डिफरेंट एक वो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने माइंड को ओपन रखना है कि किस चीज़ को एथिक्स के कौन से पार्ट से रिलेट किया जा सके। तो यहाँ पे आप एथिक्स की चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आती है एसे। एसे का भी वही कॉन्सेप्ट है कि एसे के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो कंटेंट चाहिए आपके पास, दूसरा आपको चाहिए एसे को प्रेजेंट करना, कैसे, प्रेजेंटेशन। तो कंटेंट जब तक आपके पास नहीं है तब तक ऐसे आप प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे इस फेज तक आपके पास अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ऐसे में भी काफी हेल्प मिल जाएगी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि सिविल जो एग्जाम है उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा दूसरे लोगों से। तो उसके लिए आपको ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल, ये ऐसी चीजें हैं जहां पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और आप थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हैं एग्जामिनर को। तो वो किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से हो सकता है, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। एक और तीसरी चीज़ क्या आती है, वो आंसर राइटिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक एक आपको ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं, पहले प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस की करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, और अगर आप राइटिंग में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो प्रीलिम्स के बाद आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर पाए। तो अगर आप बहुत रेगुलरली भी नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी राइटिंग को। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा सकते हैं सिविल सर्विसेज के, उसके क्वेश्चंस कुछ कुछ लिख सकते हैं, वीकेंड्स पे आप ऐसे लिख सकते हैं या दिन में दो एक क्वेश्चन जो भी आपको लिखने हो। तो वो एक हैबिट डेवलप होगी आंसर राइटिंग की जो आपको आगे हेल्प करेगी। तो जब प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस लिखना है तो उस टाइम पे आप रेगुलर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हैबिट डेवलप नहीं हुई तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ भी इस उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वाले फेज में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होता है करंट अफेयर्स। मैं करंट अफेयर्स को भी इस वाले फेज में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर आप उस चीज को लेंगे करंट अफेयर्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है करंट अफेयर्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है सिविल सर्विसेज में। प्रीलिम्स में आप देखें कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, और तो आपको एक साल के अराउंड तक कवर करना रहता है। बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि करंट अफेयर्स के लिए एक पर्टिकुलर मैगजीन आप ले सकते हैं, तो न्यूज़पेपर और एक मैगजीन सफिशेंट हो जाती है करंट अफेयर्स के लिए। तो ये चीज़ इस फेज के लिए आ जाती है। और ये तीनों फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़, मैं वही चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि रिसोर्सेज जो है आप उसको जितना कंसाइज करेंगे उतना हेल्पफुल रहेगा। मार्केट में इधर उधर आपको बहुत सारे जो है कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी बुकलेट्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, आप जितना अपने आप को कंसाइज करेंगे उतना हेल्पफुल होगा। आप एक बुक पढ़ें उसको बार बार रिवाइज करें तभी वो रिटेन रह पाएगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स का है, आपके पास मल्टीपल जो है वो बुकलेट्स होंगी, मल्टीपल मैगजीन्स होंगी, लेकिन अगर आप एक एक रीडिंग सबको देने लगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो एक लीजिए, कोई सी भी मैगजीन लेनी है, इक्वली गुड है सारी मैगजीन्स, और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो ये थर्ड फेज का मैंने बनाया था। ये सारी चीजें मेरे जो मैंने 4-5 साल प्रिपरेशन किया उसमें मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे इशू आते हैं और कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, उसको मैंने कंसिडर करके कि जो नया बच्चा आ रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से ये चीज बनाई है। बाकी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से देखने के लिए।